हमारी सोच आला है इनका वार आला, न पंगा लेना हमसे यहाँ बम्बा आर आला। सो लोगों की भारी सुन लो, अपना एक जवान बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान। गाइस, मेरी वीडियो पार्क आर्मी लवर्स के लिए है। इफ़ यू आर नॉट देन डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज़। एक फौजी एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे कई सालों की मेहनत और बहुत सी कुर्बानियां होती हैं। फौजी जवान शेर दिल माओ के शेर दिल बेटे होते हैं। वो कहते हैं ना कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। लड़कियां ऐसे तो आर्मीज पे नहीं मरती, उनको पता है कि वो खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं और कपड़े भी काफी अच्छे धो लेते हैं। शुक्र है कि तूने हमें इस जंगल में भी अपनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह, हम तुझसे वादा करते हैं कि अगर तेरी इस नेमत यानी कि साग में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया हो तो भी हम पकाने वाले को कोई इल्जाम नहीं देंगे, बल्कि सबर करते हुए खा लेंगे। तुम सबने वादा किया था कि अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। दुश्मन पर इतनी तेजी से हमलावर होते हैं कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं देते। यहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि बात खाना एक काबा की हुरमत की थी। मेजर परवेज मुशर्रफ की क्यादत में SSG के कमांडोज ने हरमेपात का कैमरों की मदद से जायजा लिया। मेजर परवेज मुशर्रफ ने दहशत गर्दों की पोजीशन को मार्क किया और हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। मेजर परवेज मुशर्रफ ने सऊदी हुकाम से कहा कि मस्जिद हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए और कमांडोज को हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिद की छत पर उतारने की इजाजत दी जाए। इजाजत मिलने के बाद SSG के कमांडोज का असल एक्शन शुरू हुआ। एक तरफ मस्जिद हराम की छत पर कमांडोज उतरना शुरू हुए तो दूसरी जानब खाना काबा के सहन में खड़े पानी में मेजर परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर करंट छोड़ दिया गया। इस फौरी और गैर मुतवक्को कार्रवाई की वजह से दहशतगर्दों के टॉप शूटर्स गैर फाल हो गए और SSG के कमांडोज के स्नाइपर्स ने फजा से ही दहशतगर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जो ही SSG कमांडोज की पोजीशन मजबूत, यार गिनती कर लो भाई, 47 छोड़ना नहीं है। अच्छा, जब आप बात कर रहे थे ना तो मुझे फौरी तौर पर ये ख्याल आया कि हमारे यहाँ अक्सर लोग जो ISSB की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने कभी कभी कुछ चीजें कहीं से मैंने कहा कि आए मैं तैयारी करवा देता हूँ या मैं करवा देती हूँ, तो मैं कुछ रटा देती हूँ चीजें,
और खास तौर पे ये एक ऐसे राइटिंग जो होता है, ये तो बहुत सारे बच्चे जो है वो शायद रट कर ही आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. पीपल हेजिटेट टू टॉक और राइट इन इंग्लिश और एट टाइम्स दे डोंट फील कम्फर्टेबल. लेकिन आपके यहाँ चूंकि लैंग्वेज गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ सरकारी जुबान जो कि अंग्रेजी है तो उसी को प्रेफर किया जाता है. तो जो अभी आप जैसे की बात कर रहे हैं, या आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखवाते हैं या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में? ये भी बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है. इट्स गोइंग टू बी इन इंग्लिश. ये इंग्लिश ऐसे होता है और प्राइमरीली यहाँ पे भी हम अपने एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो हम अप्लाई करते हैं ISSB में, जहाँ पे ये बातचीत होती है कि ज्यादातर एक्टिविटीज इंग्लिश में, ISSB इज गोइंग टू कंडक्ट मैक्सिमम टेस्ट इन इंग्लिश. अब इंग्लिश में क्यों किए जाते हैं? हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, बट ऑन द अदर साइड हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है. अपार्ट फ्रॉम अप्लाइंग इन ISSB, आपने किसी भी स्ट्रीम में अप्लाई करना है, वेदर यू गो इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल स्ट्रीम, आप किसी भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहां पे भी आपको अपने तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को या जो भी थीसिस करनी है, आपने कोई भी बातचीत करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, वो भी आपकी इंग्लिश में होती है. सो सेम वे हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास जो कैंडिडेट आता है, ही शुड हैव बेसिक नॉलेज, जहां पे वो अपना जो भी उसके पास बैकग्राउंड नॉलेज है उसको पेन डाउन कर सके और उसको जो है अच्छे तरीके से बता सके. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ग्रामेटिकली ही शुड बी करेक्ट, ही शुड बी वेरी लॉजिकल, कुछ इतना जरूर करे कि कोई वायबल सोल्यूशन दे सके. तो ही हैज टू राइट डाउन, और वो तभी आ सकता है जब उसके पास कोई ना कोई उसने बैकग्राउंड नॉलेज लिया हुआ है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन सीजन टू हिज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां से ही वो डेवलप कर. No.